देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है बॉलीवुड धमाल का, बॉलीवुड धमाल जहां हम आपको बताते हैं बॉलीवुड से जुड़ी कुछ चटपटी और लेटेस्ट खबरों के बारे में। बॉलीवुड धमाल में इस बार हम बात करेंगे फिल्म फेस्टिवल को लेकर, जो इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में है। साथ ही साथ बात करेंगे हिना खान के ग्लैमर अंदाज की। उसके अलावा बात करेंगे उस चाय की चुस्की के बारे में जिसमें अक्षरा नजर आ रही है। सबसे पहले बात करते हैं फेस्टिवल को लेकर। दरअसल फ्रांस में इन दिनों कान फिल्म फेस्टिवल की धूम देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में रेड कारपेट पर इन दिनों दीपिका का लुक काफी ज्यादा सुर्खियों में बना है। दरअसल फेस्टिवल के साथ ही उनकी रेड कारपेट पर जो लुक है उन्हें फैंस को काफी पसंद आ रहा है। इस बार फेस्टिवल में भारत को कंट्री ऑफ ओनर का दर्जा मिला है, तो वहीं दीपिका पादुकोण जूरी का हिस्सा है। दीपिका अपने रेड कारपेट लुक को से सबको दीवाना बना रही हैं। हाल ही में दीपिका ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने तीन लुक्स अपने फैंस के साथ शेयर किए, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं। पहले लुक में दीपिका ने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी है, ब्लैक प्लेजिंग नेकलेस के साथ वो काफ़ी सुंदर नज़र आ रही हैं। साथ ही साथ दूसरे अगर बात की जाए तो दूसरे में उन्होंने गाउन पहना है, तीसरे में उन्होंने रेड कलर की ड्रेस पहनी है, जिसमें दीपिका काफ़ी ज़्यादा गॉर्जियस नज़र आ रही है। किस तरह से दीपिका के जो लगातार फोटोज़ हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आप हमारी स्क्रीन पर भी एक के बाद एक दीपिका के रेड गाउन की, साथ ही साथ दीपिका के ब्लैक कलर की ड्रेस की फ़ोटो देख सकते हैं, जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दीपिका ने इसे अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया था, जिसके बाद उनके फैंस इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इस ड्रेस में वो किसी क्वीन से कम नज़र नहीं आ रही हैं। पिंक वाली ड्रेस में भी वो काफ़ी सुंदर नज़र आ रही हैं। उनका पिंक गाउन भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। पिंक कलर की ड्रेस में आप देख सकते हैं दीपिका किसी राजकुमारी से कम नज़र नहीं आ रही हैं। बात कर ली अब दीपिका के लुक की, अब जरा एक नजर डालते हैं हिना खान पर। हमारी बहू अक्षरा जिनके नाम से मशहूर, हिना खान का लुक भी कान फेस्टिवल में काफी ज्यादा चर्चा में रहा। फ्रांस इन दिनों कान फेस्टिवल के 2022 को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में है, जहां बॉलीवुड के सितारे रेड कारपेट पर अपनी दिलकश अदाओं के जलवे बिखेरते नजर आ रहे हैं। इवेंट में जूरी मेंबर दीपिका पादुकोण, ऐश्वर्या राय से लेकर तमन्ना भाटिया तक कई एक्ट्रेसेस ने रेड कारपेट पर अपनी वॉक से लोगों का दिल जीत लिया। अब शनिवार की ही बात लगा ली जाए, टीवी एक्ट्रेस हिना खान ने भी कान की कुछ तस्वीरें शेयर की, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। हिना खान ने इन तस्वीरों को अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया। इन तस्वीरों में एक्ट्रेस ने येलो कलर की लॉन्ग ड्रेस में एक स्ट्रीट्स में खड़े होकर पोज देती हुई नज़र आई। गोल्डन कलर की ये ड्रेस काफ़ी सुंदर नज़र आ रही थी। इस दौरान उन्होंने अपने बालों को काफ़ी स्टाइलिश तरीके से कैरी किया था, जो कि उनके लुक को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रहा था। इससे पहले उन्होंने मैरून रंग की स्टेम्पलेस लॉन्ग गाउन में अपनी तस्वीर शेयर की थी, जिसमें वो समुद्र के किनारे अपने जलवे बिखेरते हुए नज़र आई। खुले बालों में उन्होंने ये शूट करवाया था। तो वहीं दूसरे लुक में हिना ने ब्लैक रंग की डीप नेक गाउन वाली ड्रेस पहनी थी, जिसमें कि वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। आप हमारी स्क्रीन पर भी हिना की वो तस्वीरें देख सकते हैं जो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की थी। कान फेस्टिवल को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। किस तरीके से ये तस्वीरें उनकी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, उनके फैंस अलग अलग रूप से इस पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं, उनके फैंस इस पर कमेंट कर रहे हैं। तो आप हमारी स्क्रीन पर पहली तस्वीर देख सकते हैं, जिसमें कि उन्होंने गोल्डन कलर की ड्रेस पहनी है, जो काफ़ी सुंदर लग रही है, जिसमें वो एक स्ट्रीट में अलग तरह का पोज देती हुई नज़र आ रही है। वहीं दूसरी जो फोटो है उनकी, उसमें उन्होंने ब्लैक कलर की ड्रेस में जो उन्होंने डीप नेक गाउन पहना है, जिसमें कि वो एक के बाद एक अलग अलग पोज में नज़र आ रही हैं। उनका लुक काफ़ी ज़्यादा ग्लैमरस लग रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। उनके जो हेयर है, हेयर स्टाइल की अगर बात की जाए तो हेयर स्टाइल भी काफ़ी अलग है। जिस तरीके से उनके बिखरे हुए बाल हैं, जिस पर फैंस काफ़ी ज़्यादा प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं उनके लुक को लेकर, साथ ही साथ उनका एक पर्पल गाउन भी है जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। किस तरीके से उन्होंने अलग अलग ड्रेस में, अलग अलग अंदाज में, कहीं पर वो समुद्र के पास खड़ी हैं तो कहीं पर स्ट्रीट में खड़ी होकर वो फोटो खिंचवा रही हैं, अलग अलग लुक जो कि लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे उनके फैंस काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं।
कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की फिल्म भूल भुलैया 2 इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में है। दरअसल इसके सुर्खियों में होने की वजह इस फिल्म की कमाई है। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी स्टारर भूल भुलैया 2 साल 2022 की अब तक की सबसे बड़ी ओपनर बन गई है। फिल्म ने अपने पहले ही दिन 14 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर ली है। वहीं दूसरे दिन भूल भुलैया 2 के कारोबार में 80% से ज्यादा उछाल देखने को मिला। कंगना रनौत की धाकड़ की बात करें तो इसके दूसरे दिन के कलेक्शन में गिरावट देखने को मिली। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की फिल्म भूल भुलैया 2 ने सभी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और दूसरे दिन के कलेक्शन में शानदार उछाल पाती हुई नजर आई। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक फिल्म ने शनिवार को तकरीबन 18.25 करोड़ का कारोबार किया, यानी कि भूल भुलैया फिल्म ने अब तक 32 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। आपने चाय वाले तो बहुत सुने होंगे, पर क्या आपने कभी ग्रेजुएट चाय वाली सुनी है? लेकिन आज हम आपको ग्रेजुएट चाय वाली के बारे में बताएंगे, जिनसे कि अक्षरा इन दिनों मिल रही है। सोशल मीडिया पर अक्षरा सिंह का फोटो तेजी से वायरल हो रहा है। अक्षरा सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री की दमदार एक्ट्रेस में से एक है, जो अपने धाकड़ अंदाज के लिए जानी जाती हैं। लेकिन अब अक्षरा ने ऐसा कुछ कर दिया है जिसकी वजह से उनके फैंस उनकी दरिया दिली की काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। हाल ही में अक्षरा सिंह ने पटना की मशहूर ग्रेजुएट चाय वाली की दुकान पर पहुंची। ये दुकान पटना के बोरिंग कैनाल रोड पर है, जिसे प्रियंका नाम की लड़की लगाती है। अक्षरा सिंह ने इस दुकान पर पहुंचकर चाय पी और प्रियंका से ढेर सारी बातें की। अक्षरा सिंह जब चाय की दुकान पर पहुंची तो उन्हें देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। फैंस एक्ट्रेस के साथ सिर्फ एक सेल्फी लेने के लिए काफी परेशान नजर आए। दूसरी तरफ अक्षरा ने दुकान पर पहुंचकर अपना सारा समय प्रियंका को दे दिया और उनके हाथ से बनी चाय की मजेदार चुस्कियां लेती हुई नजर आई। इतना ही नहीं, अक्षरा ने प्रियंका को चाय के लिए 2100 रुपए तक दिए। एक्ट्रेस ने इस कदम की अब सोशल मीडिया पर खूब ज्यादा तारीफ हो रही है। इस मौके पर अक्षरा सिंह ने प्रियंका का हौसला भी बढ़ाया। एक्ट्रेस ने कहा कि सिर्फ बिहार की लड़कियों को नहीं बल्कि हर लड़की को खुद पर इतना भरोसा करना चाहिए और डट कर हमेशा खड़े रहना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ यूं अचानक अक्षरा से मिलने पर प्रियंका भी काफी खुश नजर आई। उनका कहना है कि ये मेरे लिए सरप्राइज था, बहुत अच्छा लगा, मैंने अक्षरा सिंह के सारे गाने सुने हैं। अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर की मूवी पृथ्वीराज इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में है। दरअसल इस फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है। एक्टर अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म पृथ्वीराज के नए गाने योद्धा का ट्रेलर रिलीज किया गया। अक्षय ने खुद सोशल मीडिया पर फिल्म का टीजर शेयर किया। इस पेट्रियोटिक सॉन्ग में मानुषी छिल्लर भी नजर आ रही है। मानुषी ने फिल्म में महारानी संयोगिता का किरदार निभाया है। वहीं अक्षय ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान का रोल प्ले किया है। अक्षय कुमार ने इस योद्धा गाने पर टीजर शेयर कर लिखा कि गाथा गरिमा और शौर्य की। योद्धा के गाने का टीजर अभी देखें और उसे सुने किस तरीके से अक्षय ने इस पर अपना पूरी तरीके से अभिनय किया है। साफ तौर पर उनके इस अभिनय को साथ ही साथ उनके और मानुषी की जोड़ी को फैंस काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए उनकी फिल्म पृथ्वीराज को लेकर, तो ये फिल्म 3 जून को हिंदी, तमिल और तेलुगू में रिलीज हो रही है। इस फिल्म का ये गाना है योद्धा, जिसका टीजर रिलीज हो चुका है और अब फैंस इसे देखने के लिए काफी ज्यादा बेताब हैं। अपने आप इसे सम्राट इस अगर बात की जाए इसके ट्रेलर को लेकर, फिल्म को लेकर, तो इसमें सम्राट अशोक की कहानी दिखाई गई है।
माफ कीजिएगा, इसमें सम्राट पृथ्वीराज चौहान की कहानी दिखाई गई है, साथ ही साथ संयोगिता की कहानी दिखाई गई है, जो एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। किस तरीके से फिल्म में मानुषी और अक्षय की जोड़ी है उसे देखना काफ़ी दिलचस्प है। किस तरीके से अक्षय ने अभिनय किया है इसको लेकर, जो तमाम रूप से और प्रामाणिक रूप से सम्राट पृथ्वीराज चौहान और उनकी प्यारी पत्नी संयोगिता के जीवन पर आधारित है। योद्धा एक ऐसा गीत है जो फिल्म में एक महत्वपूर्ण क्षण में आता है, और ये ऐसा गीत है जो आपकी आत्मा तक को छू जाएगा जब आप इसे बड़े पर्दे पर इसकी पूरी महिमा देखेंगे। वहीं इसको लेकर अक्षय ने भी अपने सोशल मीडिया पर इसे शेयर करते हुए लिखा कि मानुषी ने राजकुमारी संयोगिता की भावना को फिल्म में दिखाने के लिए अभूतपूर्व काम किया है, क्योंकि वो इस सीन में फिल्म की महिलाओं को लीड करती हैं। ये डायरेक्टर डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी की ओर से लिखा गया एक अविश्वसनीय दृश्य है, और ये फिल्म के सबसे बड़े हाईलाइट पॉइंट में से एक है। तो जैसा कि आपने देखा कि अक्षय कुमार ने किस तरीके से योद्धा गाने को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आए। उन्होंने कहा कि जो योद्धा गाना है वो पृथ्वीराज चौहान में सबसे ज़्यादा हाइलाइटेड है, इस पूरी फिल्म को निखारने वाला सॉन्ग है। किस तरीके से इसको लेकर वो काफ़ी भावुक भी हो गए सोशल मीडिया पर, जब उन्होंने इस योद्धा गाने का टीज़र शेयर किया तो वो काफ़ी ज़्यादा भावुक होते हुए नज़र आए। साथ ही साथ उनके फैंस उनके इस गाने को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और साथ ही साथ उनकी फिल्म यानी कि पृथ्वी राज को लेकर उनके फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। लगातार सोशल मीडिया पर उनके फैंस इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि एक नई जोड़ी है मानुषी छिल्लर की, अगर बात की जाए तो वो मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं। अब उनको देखने के लिए कि किस तरीके से उन्होंने अभिनय किया इस फिल्म में, सभी उनके फैंस एक्साइटेड है। उनकी ये पहली फिल्म है, तो देखना दिलचस्प होगा कि इस फिल्म के बाद क्या आगे मानुषी छिल्लर के लिए एक्टिंग के दरवाजे खुलते हैं या नहीं। मानुषी छिल्लर की ये फिल्म है, अब देखना दिलचस्प है कि आगे उनके लिए एक्टिंग के दरवाजे खुलते हैं या नहीं। इस फिल्म को लेकर लोग लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अब देखना ये है कि लोग उनकी फिल्म को आगे कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, और जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आती है तो कमाई के मामले में ये फिल्म कितना आगे जाती है। बॉलीवुड धमाल में फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। नमस्कार।